एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मायसेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन ग्लाइसिरिजा ग्लैबरा के बारे में, जो बहुत ही यूजफुल दवा होती है रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के लिए। जो भी हमारे लंग्स से, हमारी सांस से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, उसमें दवा बहुत अच्छे से काम होती है और ये दवा बनती है मुलेठी से। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मुलेठी के क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, साथ में मुलेठी से बनने वाली इस होम्योपैथिक दवा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी डोजेस कितनी लेनी होती, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं ग्लाइसिरिजा ग्लैबरा के बारे में। ग्लाइसिरिजा ग्लैबरा, इसको हम हिंदी में मुलेठी, इंग्लिश में लाइकोरिस और संस्कृत में यष्टि मधु कहते हैं। इसकी फैमिली होती है फैबेसी। बहुत ही कॉमन हर्ब होती है, ज़्यादातर घरों में पाई जाती है, चाय कॉफ़ी इन सब में यूज किया जाता है। और वैसे भी इसको यूज किया जाता है च्यू करने के लिए, जब भी गले में खराश होती है, गले में खसखस होती है, हॉर्सनेस होती है, या फिर पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, गैस्ट्रिक अल्सर के केसेस में, फैटी लिवर के केसेस में, कब्ज के केसेस में, क्रोनिक कफ हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या फिर महिलाओं में फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स में, इन सारी चीज़ों में इसको बहुत ही एंशियंट टाइम से यूज किया जा रहा है। और ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ़ होंगे। एक लकड़ी जैसी हर्ब होती है, जो ज़्यादातर कॉमनली आपको जो नॉर्मल शॉप्स होती है पंसारी की, वहाँ पर मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा सभी घरों में यूज किया जाता है, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के लिए इसको बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है। इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है, बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, इवन जो चीनी होती है उससे भी मीठा होता है। इसमें आपको सुक्रोज मिलते हैं, स्टार्च मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, सैपोनिन्स मिलता है, फ्लेविनॉइड्स मिलता है। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हर्ब होती है ये। इसमें एक ग्लिसरिज नाम का जो है कंपोनेंट होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। साथ में इसमें एक और कंपाउंड होता है जो कि स्टीरॉइड तो नहीं है, लेकिन माइल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड की तरह एक्ट करता है, एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। होम्योपैथी में प्रूविंग के बाद ये दवा जो है रेस्पिरेटरी ट्रबल्स पर बहुत अच्छा काम करती हुई देखी गई है। अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, खांसी है, बहुत पुरानी खांसी है, चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे वो आपको प्रोडक्टिव कफ हो, बलगम वाली खांसी हो, दोनों ही केसेस में आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं पे भी अगर आपको इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, क्रोनिक कैटार है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, तो इन सारी कंडीशंस में दवा बहुत अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ अगर आपको सोर थ्रोट है, थ्रोट में इन्फ्लेमेशन है, गले में हमेशा खराश बनी रहती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, तो उसमें भी ये दवा अच्छे से काम आती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में भी ये दवा अच्छे से काम आती है। अगर आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहती है, गैस्ट्रिक अल्सर है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसमें भी आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि जो मदर टिंचर इसका यूज करते हैं हम, उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे जिन लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहती है, जिन मेल्स को प्रोस्टेट का ट्रबल रहता है, प्रोस्टेट कैंसर है, तो उस कंडीशन को ये थोड़ा सा स्लो करने में हेल्पफुल होता है। अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है तो उसको स्लो करने में, पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम है उसको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी मेडिसिन है, सिम्टोमेटिकली बहुत छोटी है, कुछ ही सिस्टम पे काम करती है, लेकिन बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देकर जाती है। अगर हम बात करें कि किस पावर में यूज करना है, कितनी डोजेज लेनी है, तो ज़्यादातर ग्लाइसिरिजा ग्लैबरा का जो है मदर टिंचर यूज किया जाता है, और आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से 5 से 10 ड्रॉप आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 बार यूज करना रहता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, हर्ब से बनी हुई मेडिसिन है, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर जो फीमेल्स हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको लेना है, या फिर जो लोग एनीमिक हैं, जिनमें खून की कमी है, उनको लेना है, तो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए।
उन लोगों को खुद से ही सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ग्लाइसेरिज़ा ग्लैब्रा के बारे में मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।